आज हम छायावाद के एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की काव्यगत विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को ओज और औदात्य का कवि कहा जाता है और हिंदी साहित्य में तो यहाँ तक कहा जाता है कि यदि उन्होंने केवल एक ही रचना लिखी होती, राम की शक्ति पूजा, तब भी हिंदी साहित्य में उनका नाम अमर रखने के लिए वह कविता पर्याप्त थी। हालांकि उन्होंने विभिन्न प्रकार की कविताएं लिखी, तो उनकी काव्यगत विशेषताओं को समझने के लिए हमको उन कविताओं का अध्ययन करना आवश्यक है। फिर भी संक्षेप में आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की काव्यगत विशेषताएं कौन कौन सी हैं। नमस्कार, मैं भूपेंद्र पांडे हिंदी चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। मेरे पिछले वीडियोस को आपने जो पसंद किया है और जो लाइक्स और कमेंट्स जो दिए हैं उसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। आगे भी मैं आप लोगों को बहुत ही स्तरीय सामग्री उपलब्ध कराने का प्रयास करूँगा। तो चलिए देखते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की काव्यगत विशेषताएं। 1918 से 1936 तक 18 वर्षों का समय छायावाद का युग है। दो महायुद्धों के बीच की हिंदी कविता के रूप में छायावाद का अध्ययन किया जा सकता है। मतलब जो विश्वयुद्ध हुए थे 1914 से 1918 और 1936 1945, तो इन्हीं दोनों के बीच की कविता के रूप में हम छायावादी काव्य का अध्ययन कर सकते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी छायावादी कवि हैं। छायावाद के चार स्तंभ हैं। उनकी काव्यगत विशेषताओं को उनकी कविताओं का अध्ययन करके ही समझा जा सकता है। निराला जी की कविता की क्या विशेषताएं हैं उनको समझने के लिए हमको उनकी कविताओं का अध्ययन करना पड़ेगा। सबसे पहले हम देखते हैं राम की शक्ति पूजा और सरोज स्मृति। इनकी दो अत्यंत महत्वपूर्ण कविताएं हैं, राम की शक्ति पूजा और सरोज स्मृति। स्वभाव से भिन्न होते हुए भी छायावादी भावबोध की कविताएं थी। ये दोनों कविताएं अलग अलग मूड की कविताएं हैं, अलग अलग भावबोध है इनमें, फिर भी ये छायावादी कविताएं हैं। कुकुरमुत्ता कविता जो है वह छायावाद की परिधि से बाहर की कविता है ना। यह प्रगतिवाद को टच, उसकी जो प्रगतिवादी जो काव्य है उसकी विशेषताओं को यह टच करता है। कुकुरमुत्ता यह भी कहा जा सकता है कि वह छायावाद से मोहभंग की कविता है ना। छायावाद की जो कविता थी जिसमें रहस्यवाद, रोमांटिसिज्म का प्रभाव था, उससे यह उसकी परिधि से बाहर की कविता है। यह छायावाद से मोहभंग की कविता है। निराला छायावाद के कवि होते हुए भी उसकी सीमाओं का अतिक्रमण करते हैं। छायावादी काव्य एक विशेष प्रकार का काव्य था जिसमें रहस्य और सौंदर्य जैसी कविताएं लिखी जाती थी, जिसमें रहस्यात्मकता थी, सौंदर्य बोध था। लेकिन निराला छायावादी कवि होते हुए भी विभिन्न प्रकार की कविताएं लिखते हैं। वे छायावाद के भीतर ही छायावाद के एक नए मिजाज का निर्माण करते हैं। मतलब अन्य कवि जहाँ पर छायावादी कविताएं लिख रहे थे जिनकी विशेषताएं कुछ अलग सी थी, लेकिन निराला जी ने जो कविताएं लिखी है वो छायावाद के भीतर ही एक नए मिजाज, एक नए मूड का निर्माण करती है। जैसे निराला की काव्य यात्रा अंतर विरोधों से भरी हुई है। उनकी कविता में अंतर विरोध पाया जाता है, अंतर द्वंद पाया जाता है। निराला की कविता तलाश की कविता है। उन्हें कुछ खोज है, कुछ तलाश है ना, कुछ तलाश कर रहे हैं, कुछ खोज कर रहे हैं। निराला की कविता की प्रकृति उस बेताल की है जो हर बार नई कहानी कहता है और नए प्रश्न पूछता है। आपने विक्रम बेताल की कहानी पढ़ी होगी कि बेताल हर बार राजा विक्रमादित्य से नए प्रश्न पूछता है, नई कहानी कहता है और उसके ऊपर नए प्रश्न पूछता है। ठीक इसी प्रकार हम निराला जी की कविता को परिभाषित कर सकते हैं कि उनकी हर कविता पहले से अलग है, पहले से बेहतरीन है और एक नए मिजाज के ऊपर लिखी गई है और प्रत्येक कविता का भाव बोध अलग अलग है। निराला की कविता अंतर विरोधों से युक्त होती है। किस प्रकार का अंतर विरोध पाया जाता है, कॉन्फ्लिक्ट पाया जाता है, अंतर द्वंद पाया जाता है उनकी कविताओं में, वह देखते हैं। क्योंकि अंतर विरोधों से मुक्त समाज पशुओं का समाज होता है, मनुष्यों का समाज नहीं। मतलब चूंकि मनुष्य एक मननशील, चिंतनशील प्राणी है जो मन में सोचता रहता है, विचार करते रहता है, तो इसलिए हमारे मन में क्या है, बहुत सारे अंतर द्वंद पैदा होते हैं, अंतर विरोध पैदा होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट पैदा होते हैं। इसीलिए निराला की कविता अंतर विरोधों से युक्त होती है। एक तरफ निराला में यथार्थ की क्रूरतम परिस्थितियां हैं तो दूसरी तरफ उसमें आस्था और प्रार्थना के विलक्षण स्वर सुनाई देते हैं। निराला जी को जीवन भर संघर्षों का सामना करना पड़ा। यथार्थ की क्रूरतम परिस्थितियां हैं, उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई असमय ही,
उनकी पुत्री की भी मृत्यु हो गई। उनको कवि समाज में भी धिक्कारा गया कि वे केचुआ छंद लिखते हैं, रबड़ छंद लिखते हैं, मतलब कवि समाज ने भी उन्हें कभी पसंद नहीं किया। इस तरह पूरे जीवन में हमेशा अंतर विरोधों का सामना करना पड़ा। यह अंतर विरोधी निराला की कविता को एक नई पहचान और नई अर्थवत्ता देता है, और इसीलिए उनकी कविता को एक नई पहचान मिली इस अंतर विरोध के कारण, और नई अर्थवत्ता देता है, मतलब उनकी कविताओं में नए नए नवीन अर्थ ने जन्म लिया। इसलिए प्रार्थना और यथार्थ या विद्रोह दोनों एक साथ उनकी कविता में दिखाई देते हैं। उनकी कविता में एक ओर जहाँ प्रार्थना के गीत मिलते हैं, वहीं यथार्थ की क्रूरतम परिस्थितियां मिलती है, वहीं विद्रोह के स्वर भी सुनाई देते हैं। तो ये सारी बातें उनकी कविताओं में एक साथ मिलती है, क्योंकि यह छायावाद के भीतर ही छायावाद के एक नए मिजाज का निर्माण करते हैं, नए भावबोध का निर्माण करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ उनकी कविता में क्रांति और संघर्ष की चेतना भी सर्वत्र विद्यमान है ना। उस समय भारत आजाद नहीं हुआ था जब वे कविता लिखा करते थे, इसलिए उनकी कविता में क्रांति और संघर्ष की चेतना भी सर्वत्र विद्यमान है। बादल राग में वे लिखते हैं, उथल पुथल कर हृदय मचा हलचल, चल रे चल मेरे पागल बादल। बादल राग कविता में वे लिखते हैं कि दुनिया में क्रांति आनी चाहिए, विद्रोह का स्वर जन्म लेना चाहिए, और इसीलिए वे बादल से आग्रह करते हैं कि उथल पुथल कर हृदय मचा हलचल, चल रे चल मेरे पागल बादल। वह तोड़ती पत्थर कविता व्यवस्था पर प्रहार की कविता है। वह तोड़ती पत्थर कविता आपने पढ़ी होगी। वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। इलाहाबाद में जब वो कहीं पर जा रहे थे, तब उन्होंने एक महिला को देखा जो पत्थर तोड़ रही थी, और बहुत ही कड़ी दोपहरी थी, पेड़ की छाया भी नसीब नहीं थी उसे। इसे देखकर निराला जी का हृदय द्रवित हो गया और उन्होंने यह कविता लिखी। वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। वह तोड़ती पत्थर कोई न छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई शिकार, श्याम तन भर बंधा यवन, नत नयन प्रिय कर्म रत्मन, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरुमालिका अट्टालिका प्राकार। मतलब वहां कोई पेड़ की छाया भी नहीं है, सामने बड़े बड़े मकान बने हुए हैं। वह एक महिला, जो युवा महिला है, श्याम रंग का शरीर है उसका, और जो जवान महिला है वह क्या कर रही है, पत्थर तोड़ रही है। तो यह मतलब बहुत ही कठिन परिस्थितियां, क्रूरतम परिस्थितियां हैं, इसका उन्होंने वर्णन किया है। तो यह तोड़ती पत्थर कविता व्यवस्था पर प्रहार की कविता है। दूसरा अंतर विरोध जो उनमें पाया जाता है वह पराजय बोध एवं आस्था की दृढ़ता के बीच है। पराजय बोध मतलब कभी कभी उनको लगता है कि मैं जीवन में हार गया, मैं कुछ हासिल नहीं कर पाया, मेरा जीवन बहुत ही दुखमय है, क्या मेरा जीवन ऐसा ही व्यतीत हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ आस्था भी है उनके मन में कि यह परिस्थितियां जरूर बदलेंगी और मेरे जीवन भी में भी खुशियां आएंगी। निराला पराजय बोध के कवि हैं। पराजय बोध मतलब कभी कभी उनके मन में पराजय बोध ने जन्म लिया कि मैं सभी चीजों में हार गया, मैं पराजित हो गया जीवन में। यह पराजय बोध एक अमानवीय तंत्र में अपनी ईमानदारी के बोध से उत्पन्न हुआ है। निराला में कई बार कई स्तरों पर इस पराजय बोध की ध्वनि सुनाई पड़ती है, जैसे कि असमय ही उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई, उनकी पुत्री की मृत्यु हो गई, और उन्हें कवि समाज में भी पर्याप्त सम्मान नहीं प्राप्त हुआ, उन्हें हमेशा तिरस्कृत किया गया। इसीलिए क्योंकि वह ईमानदारी से काव्य लिखा करते थे, जो उन्होंने भोगा उसे ही उन्होंने लिखा, तो उनका जो काव्य है अनुभूति जन्य है। तो निराला में कई बार कई स्तरों पर इस पराजय बोध की ध्वनि सुनाई पड़ती है, तो कई बार उनके व्यक्तित्व में, उनके काव्य में पराजय बोध की ध्वनि सुनाई पड़ती है। जैसे उन्होंने लिखा है, हो गया व्यर्थ जीवन मैं रण में हार गया। तो उन्होंने राम की शक्ति पूजा में लिखा है, हो गया व्यर्थ जीवन मैं रण में हार गया। व्यर्थता का यह बोध निराला में एक गहरे अवसाद की सृष्टि करता है, बहुत ही दुख की सृष्टि करता है, अवसाद और ग्लानि की सृष्टि करता है। शोक गीत हिंदी में तो कम लिखे गए हैं, यूरोप की भाषाओं में ऐसा शायद ही प्रभावशाली गीत हो जिसे कवि पिता ने अपनी पुत्री के निधन पर लिखा हो। मतलब शोक गीत लिखने की जो परंपरा है वह यूरोप की कविताओं में पाई जाती है, कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो उसे उसकी स्मृति में शोक गीत लिखा जाए। लेकिन निराला ने जो शोक गीत लिखा है अपनी पुत्री की मृत्यु होने पर, सरोज स्मृति नाम का जो उन्होंने शोक गीत लिखा है, इस स्तर का शोक गीत यूरोप की कविताओं में नहीं पाया जाता कि किसी पिता ने अपनी पुत्री के मृत्यु होने पर शोक गीत लिखा हो। तो सरोज स्मृति जो उन्होंने अपनी पुत्री सरोज के निधन पर लिखा है,
निराला का शोक गीत है, जिसमें निराला ने अपने मन के अंतर्द्वंद को, जीवन संघर्ष की सफलता असफलता को अपने इन शब्दों में व्यक्त किया है। मतलब उनके जीवन की जो सफलता और असफलता थी, जो उनके मन में चलने वाले अंतर्द्वंद थे, जो कॉन्फ्लिक्ट था, उसको उन्होंने इस प्रकार व्यक्त किया है। कन्ये मैं पिता निरर्थक था, कुछ भी ही तेरे कर न सका। मतलब अपनी पुत्री को संबोधित करते हुए कहते हैं कि पिता, मैं व्यर्थ का पिता था तेरा, कि मैं तेरा कुछ भी भला नहीं कर पाया, कुछ भी तेरा हित नहीं कर पाया। बहुत सीधे साधे ढंग से निराला ने अपने मन की ग्लानि को अभिव्यक्त किया है। यह पराजय बोध सरोज स्मृति में दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, के रूप में व्यक्त हुआ है। तो इतनी दिल को छू लेने वाली पंक्तियाँ उन्होंने लिखी है, इतनी भावनात्मक पंक्तियाँ उन्होंने लिखी है सरोज स्मृति में, जो निश्चित ही उनके मन में चलने वाले अंतर्द्वंद का परिचय है। आप जब भी परीक्षा में उत्तर लिखते हैं, किसी भी कवि के विषय में लिखते हैं, तो उनकी रचनाओं से उनकी पंक्तियों को जरूर ही उल्लिखित करें, है ना, बोल्ड कलर में, ताकि आपको बहुत ही अच्छे अंक मिल सकें। ऐसा अगर आप उद्धृत करते हैं कविता की पंक्तियों को, यदि आप उद्धृत करते हैं कविता के नाम के साथ, कवि के नाम के साथ, तो निश्चय ही आपको बहुत ही अच्छे अंक मिलेंगे। राम की शक्ति पूजा में इस पराजय बोध, अवसाद और धिक्कार भावना को देखा जा सकता है। उनके मन में जो पराजय बोध है, पराजय बोध के कवि हैं, उनमें अवसाद है और धिक्कार भावना है, उसको हम यहाँ, अवसाद मतलब होता है सैडनेस, है ना, दुख, इसको देखा जा सकता है। धिक जीवन को जो पाता आया ही विरोध, धिक साधन जिसके लिए किया हो सदा शोध, जान की हाय उद्धार प्रिया का हो न सका। मतलब जीवन भर वो बहुत ही मेहनत और कर्मठ व्यक्तित्व थे, जीवन भर उन्होंने मेहनत किया, लेकिन उसे उनका उस समय उनके जब जीवित रहते हुए उनका कोई फल प्राप्त नहीं हुआ, कोई सम्मान प्राप्त नहीं हुआ, जीवन भर उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। तो इसी पंक्तियों को उन्होंने, अपने जीवन की तल्ख सच्चाइयों को उन्होंने राम की शक्ति पूजा में स्थान दिया है। अंत में भगवान राम जी को भी कहना पड़ा, जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका, कि जानकी मैं तेरा उद्धार नहीं कर सका। तो यह पराजय बोध है। जब भगवान राम को लगने लगा था कि वह माता सीता को छुड़ा कर नहीं ला पाएंगे, तब उनके मन में यह पराजय बोध या ग्लानि का भाव जन्म लेता है, जो वास्तव में निराला के जीवन का सत्य है। लेकिन दूसरी तरफ इसी पराजय बोध की काल रात्रि के भीतर से निराला आस्था के सूर्य का संधान करते हैं। उनके मन में पराजय बोध तो है, चारों तरफ अंधकार है, लेकिन उनके इसी काल रात्रि, मतलब रात्रि के बाद निश्चित रूप से सूर्य का उदय होता है, तो वे सूर्य का संधान करते हैं। उनमें एक आस्था के बीज भी हैं, जो उन्हें यह विश्वास दिलाते हैं कि यह परिस्थितियां बदलेंगी, यह पराजय बोध खत्म होगा, है ना, और इस पराजय बोध की काल रात्रि के भीतर से सूर्य का उदय होगा, आस्था के सूर्य का उदय होगा। वस्तुतः रचनात्मक अनास्था के कोहरे के बीच एक ज्योति की तलाश है। निराला के यहाँ प्रतीकों के स्तर पर एक दिशाव्यापी अंधकार है, लेकिन उसके साथ एक मशाल भी है। यह मशाल उम्मीदों की है, संभावनाओं की है, आस्था की है। मतलब ठीक है, पराजय बहुत तो उनके मन में है, लेकिन आपको पता है कि एवरी डार्क क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। मतलब प्रत्येक रात्रि के बाद दिन का सूर्य भगवान जरूर उदय होते हैं, है ना, प्रत्येक रात्रि के बाद दिन का उदय जरूर होता है। तो यह उनके मन में यह आस्था है, उम्मीद है, संभावनाओं की तलाश है, और एक मशाल है, उम्मीदों की मशाल है उनकी कविताओं में। राम पराजित हैं, राम के मन में ग्लानि है, परंतु राम के एक और मन है जो पराजित होना नहीं जानता, है ना। भगवान राम के दो मन है, एक मन तो जिसने पराजय बोध स्वीकार कर लिया है, जो ये कहता है कि जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका, लेकिन एक दूसरा मन भी है जो पराजय बोध से बहुत ऊपर है, जिसके मन में आस्था है, उम्मीद है, और वह रहा एक मन और राम का जो न थका। लेकिन राम का एक दूसरा मन भी है जो पराजित होना नहीं जानता। आपको बता दूं कि यहाँ पर राम की शक्ति पूजा में उन्होंने राम को एक मनुष्य के रूप में माना है, वह कोई अवतारी पुरुष नहीं है, वह शक्ति लेकर अवतरित नहीं हुए हैं, बल्कि वे शक्ति का संधान करते हैं और शक्ति को प्राप्त करते हैं अपने पुरुषार्थ के बल पर। तो यह उनका जो दूसरा मन है, वह पराजित होना नहीं जानता, वह थकना नहीं जानता। राम की शक्ति पूजा में दो कविताओं का सार तत्व है, तुलसीदास और सरोज स्मृति। तुलसीदास कविता भी तुलसीदास के जीवन के ऊपर उन्होंने लिखी है, और सरोज स्मृति उन्होंने पुत्री सरोज की स्मृति में लिखा है। तो इन दोनों कविताओं का जो सार तत्व है, वह राम की शक्ति पूजा में इन्होंने शामिल किया है, और उसमें एक नई सामग्री है, एक पराजित मन और दूसरे अपराजित मन के अस्तित्व की अनुभूति।
राम की शक्ति पूजा दो कविताओं का, इसमें दो कविताओं का सार तत्व है, तुलसीदास और सरोज स्मृति। साथ ही साथ इसमें एक नई चीज है, इन्होंने पराजित मन और अपराजित मन दोनों का ही वर्णन किया है। अपने गीतों में भी निराला देह की जर्जरता और गहन अकेलेपन के साथ फूलों और वसंत की चर्चा करते हैं। वे लिखते हैं, दुखता रहता है अब जीवन जैसे पतझड़ का वन उपवन। उनकी कविता में जहां एक और वसंत है तो एक और पतझड़ भी है ना। अपने अकेले जीवन के साथ उनके उनका जीवन पतझड़ जैसा था, लेकिन फिर भी वो फूलों की सुंदरता की कल्पना करते हैं, फूलों की सुंदरता का वर्णन करते हैं कि जब वसंत आता है तो चारों ओर बहार आती है। दुखता रहता है अब जीवन जैसे पतझड़ का वन उपवन। एक जगह वो लिखते हैं कि मेरा जीवन इतना दुखी है जैसे पतझड़ में हमारे आसपास जो पौधे हैं, पेड़ पौधे हैं, अपनी पत्तियों को झाड़ देते हैं, वैसे ही कहते हैं मेरे जीवन में दुख ही दुख है। लेकिन वही निराला यह भी कहते हैं, मैं ही वसंत का अग्रदूत हूँ, मेरी इच्छाओं की लहरों पर चढ़कर धरती पर वसंत उतरता है, मैं चाहता हूँ कि वसंत हो तो फूल खिले। मतलब उनके मन में अंतर्द्वंद भी चलते रहता है, अगर उनके जीवन में पतझड़ है तो उनके मन में एक उम्मीद भी है कि वसंत भी आने आने वाला है, कि मैं ही वसंत का अग्रदूत हूँ, मैं चाहता हूँ कि वसंत आए और चारों तरफ फूल खिले। प्रगतिवाद में इतने ढोल धमाके धमाके के बावजूद, क्रांति के नारे के बावजूद कविता कहीं पर आई लगती है। कविता प्रगतिवाद में विभिन्न प्रकार की कविताएं लिखी गई है ना, क्रांति की कविता लिखी गई, बहुत सारी कविताएं, विभिन्न प्रकार की कविताएं लिखी गई, लेकिन निराला की कविता आश्वस्त करती है, वह जिंदगी से हमें परिचित कराती है, हमारी संवेदना की परिधि को विस्तृत करती है। मतलब प्रगतिवाद में विभिन्न प्रकार की कविताएं लिखी गई, और निराला जी की कुछ कविताएं हैं जैसे कुकुरमुत्ता जैसी कविताएं हैं और ये वह तोड़ती पत्थर जैसी कविताएं हैं जो प्रगतिवादी काव्यधारा को प्रतिबिंबित करती हैं। तो निराला की कविता हमें जिंदगी की यथार्थ तल्ख सच्चाइयों से परिचित कराती है, वह हमारी संवेदना की परिधि को विस्तृत करती है, व्यापक करती है। दूसरा पक्ष है सौंदर्य बोध, है ना। छायावाद की एक प्रमुख विशेषता है सौंदर्य बोध। निराला को सौंदर्य का कवि भी कहा गया है। समूची छायावादी कविता सौंदर्य से साक्षात्कार की कविता है, लेकिन निराला के यहाँ सौंदर्य की प्रकृति थोड़ी सी भिन्न है। निराला के यहाँ जो सौंदर्य है वो आम सौंदर्य बोध से भिन्न है। निराला में सौंदर्य तनाव की फलश्रुति है। जैसे उन्होंने वह तोड़ती पत्थर में बताया कि वह महिला जवान थी और वह महिला श्याम श्याम रंग था उसके शरीर का, तो उसमें भी एक सौंदर्य बोध है। वह जीवन के दुख और संघर्ष से सामना करने की ऊर्जा है। मतलब निराला का जो सौंदर्य बोध है वह दुख और संघर्ष से सामना करने के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। निराला की दो प्रतिनिधि कविताओं सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा में सौंदर्य की चर्चा की गई है। मतलब सरोज स्मृति में भी उन्होंने अपनी पुत्री सरोज की खूबसूरती का वर्णन किया है, और राम की शक्ति पूजा में उन्होंने माँ सीता की खूबसूरती का वर्णन किया है, उनके सौंदर्य की चर्चा की है। जैसे मृत्यु की त्रासदी का सामना निराला सौंदर्य की ऊर्जा के माध्यम से करते हैं। मतलब उनकी जो स्मृतियां हैं सरोज की और सीता की जो स्मृतियां हैं, तो मृत्यु जैसी त्रासदी, उनके जीवन में जो दुख है उसका सामना निराला सौंदर्य की ऊर्जा से करते हैं। राम की शक्ति पूजा में पराजय बोध, विफलता और संशय के क्षणों में फिर एक सौंदर्य की स्मृति जगती है। राम की शक्ति पूजा में भगवान राम को जब सीता की स्मृति होती है तब उनके मन में एक आशा का संचार होता है, उम्मीदों का संचार होता है। तो यह जो सौंदर्य बोध है वह उनमें पराजय बोध और विफलता और संशय के क्षणों में उन्हें ऊर्जा प्रदान करती है कि मैं रावण पर विजय प्राप्त करूंगा और सफलता प्राप्त करूंगा। तीसरा पक्ष जो निराला की कविता में दिखाई देता है वह है वेदना। वेदना मतलब दुख। छायावाद में दुख का अपना एक जीवन दर्शन है। छायावादी कवियों ने वेदना प्रधान कई कविता कविताओं की रचना की है। इसी जीवन दर्शन से छायावाद की काव्यानुभूति नियंत्रित होती है। चाहे महादेवी वर्मा हो, चाहे पंत हो, चाहे प्रसाद हो, सबने वेदना का काव्य लिखा हुआ है, लेकिन निराला का दुख बेईमानी की पगडंडियों के अस्वीकार से पैदा हुआ है ना। निराला एक विद्रोही कवि थे, वो हमेशा विद्रोही भावना के साथ कविता लिखते थे, और इसे समाज के द्वारा, कवि समाज के द्वारा उन्हें अस्वीकार कर दिया जाता था, तो बेईमानी की पगडंडियां उन्हें अस्वीकार कर देती थी, इसीलिए उनके मन में दुख उत्पन्न होता है। निराला के यहाँ दुख व्यवस्था जनित है ना। व्यवस्था के कारण उनके मन में दुख उत्पन्न होता है, समाज की जो परिस्थितियां हैं, और उनकी जैसे वो अपनी पुत्री की शादी करना चाहते थे लेकिन उतना दहेज नहीं जुटा पाते थे, फिर उन्होंने एक अपने से छोटे कुल में उत्पन्न व्यक्ति के साथ अपनी पुत्री की शादी किया, जिसे समाज ने अस्वीकार कर दिया, उन्हें पुजारी पंडित भी नहीं मिले कि उनकी पुत्री की शादी करवा दें,
तो उन्होंने स्वयं ही पंडित की भूमिका का भी निर्वहन किया था। तो निराला के यहाँ दुख जो है व्यवस्था जनित दुख है। निराला राम की शक्ति पूजा में राम के अश्रु पूरित आंखों का जिक्र करते हैं। राम के शक्ति पूजा में वो लिखते हैं, अन्याय जिधर है उधर शक्ति, कहते छल छल हो गए नयन, कुछ बूंद पुनः ढल के गिरजल। भगवान राम रावण पर विजय नहीं प्राप्त कर रहे थे, क्योंकि जो शक्ति है वह रावण की सहायता कर रही थी। तो जब उन्होंने देखा कि शक्ति रावण की सहायता कर रही है, तब वो कहते हैं कि जिधर अन्याय है उधर शक्ति उसका समर्थन कर रही है, सहायता प्रदान कर रही है। यह कहते कहते उनके नयन में, उनकी आंखों में आंसू आ गए और उनकी आंखों से आंसू के बूंद टपक पड़े। कल्पना निराला की काव्यानुभूति का महत्वपूर्ण प्रसंग है। कल्पना प्रधान कविता भी उन्होंने लिखा, कल्पना पर आधारित भी कविता उन्होंने लिखी। छायावाद को कल्पना का काव्य कहा जाता है, तो इसलिए उन्होंने कल्पना करके भी कविताएं लिखी, कल्पना को अपनी कविताओं में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया। लेकिन निराला की जो कविता है उसकी प्रकृति अन्य छायावादी कवियों से भिन्न है। इसीलिए कहा गया है कि निराला छायावाद के भीतर ही छायावाद के एक नए मिजाज का निर्माण करते हैं। तो उनकी कल्पना भी अन्य छायावादी कविताओं से भिन्न है। कैसे भिन्न आगे देखते हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लिखा है, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने राग विराग की भूमिका में लिखा है। अच्छा, राग विराग जो कलेक्शन है, कविताओं का जो संकलन है, उसकी भूमिका डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लिखी है और उन्होंने निराला की प्रतिनिधि कविताओं का संकलन किया है। यदि आपको समय मिले तो इसे जरूर पढ़ें। इसे मैं आपको दिखा भी देता हूँ, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये किताब है राग विराग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, संपादक रामविलास शर्मा। अगर आप देख पा रहे होंगे, तो यह किताब आप जरूर पढ़ें। तो डॉक्टर रामविलास शर्मा ने राग विराग की भूमिका में लिखा है कि निराला का मन धरती के सौंदर्य से बंधा हुआ है और उस पर जीवन यथार्थ के गहरे दबाव है। मतलब वो हमारे आसपास जो भी देखते हैं यथार्थ, उसका वो अपनी कविताओं में उल्लेख करते हैं। निराला की कल्पनाशीलता जीवनानुभूतियों का सृजनात्मक रूपांतरण करती है। निराला की कल्पना कैसी है कि जीवन में जो उन्होंने अनुभव किया, जो यथार्थ जो उन्होंने देखा, जो उन्होंने महसूस किया है ना, उसे ही वह सृजनात्मक रूप में अपनी कविताओं में रूपांतरण कर देते हैं। वह दूसरे लोग की खोज नहीं है, बल्कि इसी जीवन में संभावनाओं की पहचान की दृष्टि है। मतलब भले ही व्यवस्था, अपने आसपास जो व्यवस्था देखते हैं उससे आहत भी होते हैं, वे पराजय बोध भी उनके मन में जन्म लेता है, लेकिन वो जानते हैं कि यहीं से ही आशा और उम्मीदों का नए सूर्य का उदय होगा और इसी जीवन में नई संभावनाएं हैं। तो वह नई संभावनाओं को पहचानने की जो दृष्टि है उनकी कविताओं में दिखाई देती है। तो निराला की कविता क्या है, यथार्थ बोध से उत्पन्न कल्पना है। निराला की काव्य चेतना में राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना का भरपूर स्वर विद्यमान है। मतलब राष्ट्रीय और सांस्कृतिक चेतना भी उनकी कविता में पाई जाती है। निराला की काव्य चेतना में आत्मगौरव, जागरण, स्वाधीनता बोध तथा राष्ट्र प्रेम का मिला जुला भाव है। मतलब राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रभक्ति भी उनके कविताओं में पाई जाती है। निराला में जागरण भी बहुत है। जैसे कविता में लिखते हैं, जागो फिर एक बार, रात के बीतने का बोध या कम से कम रात बीतेगी, इसका विश्वास निराला की प्रायः सभी महत्वपूर्ण कविताओं में। मतलब उनकी कविताओं में भले ही पराजय बोध है, लेकिन आस्था का स्वर भी विद्यमान है कि यह रात बीतेगी, यह परिस्थितियां बदलेंगी और उम्मीदों और आशाओं के नए सूर्य का उदय होगा। और चाहे राम की शक्ति पूजा हो, चाहे तुलसीदास हो, चाहे जो भी कविता उन्होंने लिखी है, उनमें संभावनाओं के प्रति प्रबल आस्था है कि नई संभावनाएं जन्म लेंगी और यह परिस्थितियां जरूर बदलेंगी, यह व्यवस्था जरूर बदलेगी। वर्षा सृजन का प्रतीक है, लेकिन निराला के ध्वंस का भी है ना। जैसे राग के साथ विराग, वैसे सृजन के साथ ही ध्वंस। निराला उल्लास और विषाद के ही कवि नहीं, संघर्ष और क्रांति के भी कवि हैं। तो निराला की कविता में केवल आपको उल्लास और यह सब नहीं मिलेगा कि खाली उल्लास ही हो या फिर बहुत दुखी हो, बल्कि उनकी कविता में आपको संघर्ष और क्रांति की चेतना भी दिखाई देती है। प्रेमचंद और निराला का ऐतिहासिक महत्व यह है कि उन्होंने समझा कि भारतीय स्वाधीनता आंदोलन की धुरी है किसान क्रांति, और साम्राज्यवाद के मुख्य समर्थक सामंतों के खिलाफ जमीन पर अधिकार करने के लिए किसानों का संघर्ष। जब निराला कविता लिख रहे थे उस समय भारत परतंत्र था, और परतंत्र होने के कारण निराला जी ने और मुंशी प्रेमचंद ने जो कहानियाँ लिखी और निराला जी ने जो कविता लिखी, तो उसमें विद्रोह का स्वर हमेशा विद्यमान रहा है। उन्होंने यह समझ लिया
कि भारत का जो स्वाधीनता आंदोलन है कब सफल होगा, जब उसमें किसान क्रांति करेंगे और जो सामंतवाद है उसके खिलाफ वो क्रांति करेंगे। सामंतों ने किसानों की जमीन हड़प लिए थे, लेकिन मुंशी प्रेमचंद यह चाहते थे और निराला जी भी यह चाहते थे कि जमीन पर किसानों का अधिकार होना चाहिए, क्योंकि किसान ही उसके वास्तविक मालिक है। इसलिए 1924 में निराला जी ने लिखा, जीर्ण बाहु है जीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर, ऐ विप्लव के वीर। चूस लिया है उसका सार, हर मात्र ही है आधार, ऐ जीवन के पारावार। तो बादल राग कविता में वह लिखते हैं कि जब बारिश होती है तो छोटे छोटे अंकुर हाथ हिला हिलाकर बुलाते हैं बादल को, मतलब जो किसान है वो बादलों को बुलाते हैं, लेकिन जो सामंत है वो डर जाते हैं क्रांति से, विद्रोह से, है ना। तो बादल उन्होंने बोला कि जीर्ण बाहु है जीर्ण शरीर, किसानों का जो शरीर है जो उनकी भुजाएं हैं वो जीर्ण है, शरीर भी जीर्ण शीर्ण है, बहुत ही कमजोर है, लेकिन वह कृषक अधीरता से पुकारता है, ऐ विप्लव कहीर क्रांतिवीर। बादल को उन्होंने बोला है क्रांतिवीर। चूस लिया है उसका सार, सामंतों ने उसके शरीर से पूरा सार चूस लिया है और सिर्फ उनमें हाड़ मांस बचा हुआ है, ऐ जीवन के पारावार। इन कविताओं को आप पढ़ेंगे तो उनकी व्याख्या को पढ़ेंगे तब आप बहुत बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। अभी मैं सिर्फ उनकी काव्यगत विशेषताओं का वर्णन कर रहा हूँ। स्वतंत्रता सबसे प्रिय शब्द है निराला का। निराला को आज़ादी बहुत पसंद है, स्वतंत्रता बहुत पसंद है, यह उनका प्रिय स्वर है। स्वतंत्रता उनकी रचनात्मक ऊर्जा का पर्याय है, मतलब उनकी जो चेतना है वह पूरी तरह स्वतंत्रता में व्याप्त है। उनकी जो चेतना है स्वतंत्रता से, आज़ादी से आह्लादित है, इसलिए वे कविता को स्वाधीन करते हैं, वे कविता को मुक्त करते हैं, छंद को स्वाधीन करते हैं, मतलब कविता को छंदों से मुक्ति प्रदान करते हैं। परिमल की भूमिका, उनकी एक कविता का संग्रह है परिमल, उसकी भूमिका में उन्होंने कहा था कि छंद की मुक्ति का प्रश्न कविता की मुक्ति से जुड़ा हुआ है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है, लाइन है, इसे आप जरूर याद में रखें, परीक्षा में हमेशा इसे कोट करें। छंद की मुक्ति का प्रश्न परिमल की भूमिका में उन्होंने कहा था, छंद की मुक्ति का प्रश्न कविता की मुक्ति से जुड़ा हुआ है और कविता की मुक्ति में ही मनुष्य की मुक्ति निहित है। मतलब कविता को छंद से मुक्त हो जाना चाहिए, है ना, छंद से मुक्त होना चाहिए कविता को। उसी प्रकार मनुष्य कविता की मुक्ति में ही मनुष्य की मुक्ति निहित है। जब कविता छंद से मुक्त हो जाएगा तो मनुष्य की भी मुक्ति हो जाएगी। कविता की मुक्ति को उन्होंने मनुष्यों की मुक्ति से जोड़ा, मतलब कविता को छंद का जो बंधन है उससे मुक्त होना चाहिए, और जब कविता छंद के बंधन से मुक्त होगी तब मनुष्य के भी मुक्ति उसके साथ हो जाएगी। इसीलिए अपने बहुत चर्चित प्रार्थना गीत में उन्होंने देवी सरस्वती से स्वतंत्रता के राव के विस्तार की अपील की है। राव मतलब आवाज, स्वतंत्रता की आवाज या उसकी गूंज। वर दे वीणा वादिनी वर दे, मतलब हे वीणा वादिनी यह वर दे, प्रिय स्वतंत्र राव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे। मतलब स्वतंत्रता का जो अमृत है वह भारतवासियों को प्राप्त हो, प्रत्येक भारतवासी स्वतंत्र हो, ऐसा वह वीणा वादिनी माँ सरस्वती से प्रार्थना करते हैं, है ना। वसंत पंचमी के दिन निराला जी का जन्म हुआ था और इसीलिए वे माँ सरस्वती के जीवन भर उपासक बने रहे और माँ सरस्वती की उन पर असीम कृपा भी रही। छायावाद में नव या नूतन के प्रति अभूतपूर्व ललक है, मतलब कुछ नई नई चीजें लिखनी है। छायावाद में क्या है, सभी कवि लोग नई नई प्रकार की कविताएं लिखना चाहते थे, अलग अलग भावबोध की कविताएं लिखना चाहते थे, इसलिए नूतन या नवीनता के प्रति छायावाद में बहुत ज़्यादा ललक पाई जाती है। यह ललक निराला के काव्य में भी जगह जगह मिलती है, मतलब जो नवीनता है वह छायावादी कविता की एक प्रमुख विशेषता है और यह विशेषता निराला जी की कविता में भी जगह जगह पाई जाती है। नव स्वर मतलब नया स्वर की इस चाह के कारण ही निराला के काव्य में प्रयोगशीलता की विविध धाराएँ देखने को मिलती है। नवीनता के इसी आग्रह के फलस्वरूप जो निराला जी के काव्य हैं उसमें प्रयोगशीलता प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। वे नए नए प्रयोग करते हैं, कविता को छंद के बंधन से मुक्त करते हैं। निराला के गीत तराशे हुए हैं बहुत ही खूबसूरती से, जैसे कोई मूर्तिकार मूर्ति को तराशता है वैसे ही उनके गीत तराशे हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं, बेहतरीन हैं। विवेक को साध कर रचे हुए गीत हैं, वे भावोद्गार मात्र नहीं हैं, उनमें जल की तरलता नहीं, हीरे की सी कठोरता और भीतरी दमक है, है ना। भले ही उसमें हीरे की सी कठोरता है लेकिन कैसा हीरा है वो, जिसमें एक चमक है, एक दीप्ति है, एक आभा है। तो उनकी कविता पूरी तरह से विवेकपूर्ण साध कर रचे हुए बहुत ही सुंदर तरीके से तराशे हुए गीत हैं। प्रत्येक गीत में एक आंतरिक गति है, एक आंतरिक लय है,
जिसको पढ़ने में हमको जैसे वर दे विड़ा वादिनी वर दे प्रिय स्वतंत्र रहो अमृत मंत्र नाव भारत में भर दे, है ना। तो उनकी जितनी भी कविताएं हैं उनको आप गीतों की तरह गा सकते हैं, ऐसी खूबसूरती उनमें। तत्सम शब्दावली का ध्वनि सौंदर्य लिए हुए परिचित छायावादी शैली के गीतों के अलावा निराला प्रारंभ से भी ऐसे ही गीत रचते रहे हैं जिनमें लोक गीतों की सी मिठास है। मतलब उनकी कुछ कविताएं तत्सम प्रधान है, जैसे कि राम की शक्ति पूजा है वह तत्सम प्रधान है, संस्कृत निष्ठ शैली में उन्होंने लिखा हुआ है। लेकिन वो कैसे गीत लिखते हैं, कुछ ऐसे गीतों को भी रचना उन्होंने की है जिसमें लोक गीतों की सी मिठास है। जैसे जो लोक गीत होते हैं बहुत ही मीठे होते हैं, बहुत ही मधुर होते हैं, वैसे उनकी कविताओं में लोक गीतों की सी मधुरता है। ब्रज भाषा के ललित पदों की सी शब्द योजना है। जैसे ब्रज भाषा की जब हम कविता पढ़ते हैं जो जो उसमें माधुर्य है, जो सौंदर्य है, जो खूबसूरती है, वैसे ललित पदों की रचना इन्होंने अपनी कविता में की है। निराला की सभी कविताएं उनके सुदीर्घ कवि जीवन की सार्थकता का प्रमाण है। बहुत लंबे समय तक उन्होंने कवि धर्म का निर्वाह किया, बहुत ही बेहतरीन बहुत ही खूबसूरत कविता लिखे। तो निराला की जितनी भी कविताएं आप पढ़ेंगे वह उनके सुदीर्घ कवि जीवन की सार्थकता का प्रमाण है। उन्होंने अपने कवि जीवन को सार्थक किया और जब तक हिंदी साहित्य का अस्तित्व रहेगा तब तक हिंदी साहित्य में निराला जी का नाम अमर रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि मेरा यह एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर जरूर बताएं। साथ ही यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। साथ ही यदि आप किसी नए टॉपिक पर कोई वीडियो चाहते होंगे तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, मैं आप लोगों तक उपलब्ध करवाने का विनम्र प्रयास करूँगा। धन्यवाद।